जी नाज़रीन इकराम, आवाज़ आग जापान टॉक शो में खुश आमदीद। वक्फे के पहले हमारी बात गुफ्तगु सिलसिला जारी था जनाब इनाम अलहक साहब से, और जनाब इनाम अलहक से गुफ्तगु हो रही है। जनाब इनाम अलहक साहब, वक्फे से पहले आप बात कर रहे थे जो मस्जिद है जो बांदोशी में इब्राकी कैन में, जो उसने पहले भी काफ़ी शहरत हासिल की थी उस मस्जिद अलमुस्तफा मस्जिद ने, और उस मस्जिद में उसकी जो तामीर का सिलसिला है वहाँ क्या, वहाँ जो मसाइल हैं वो क्या है? अलमुस्तफा मस्जिद किसी तारफ की मोहताज नहीं जी। जापान के अंदर 15 साल पहले जब इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई थी जी। तो जापान की ये वाहत मस्जिद थी कि जो किसी मसलक या तफरका बाजी के बगैर तमाम कातबे फिक्र के लोग मिलजुल के दीन इस्लाम की अभ्यारी कर रहे थे जी। और जब ये मिनहाजुल कुरान के अंदर क्लैश शुरू हुआ तो उस वक़्त यहाँ हालात ऐसे नहीं रहे कि मिनहाजुल कुरान की जो इंतज़ामी तंजीमी मामलात थे उनकी वजह से जी। लेकिन जब ये मिनहाजुल कुरान से मस्जिद को अलग कर दिया गया जी, तो उसके बाद यहाँ जो सूरत हाल हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की रौनक आज भी उसी तरह है जी। पहले मस्जिद मुख्तसर हिस्सा पे थी और अब इसके साथ इसका दूसरा प्लाट भी शामिल है, जिस वक्त तकरीबन 8 साल पहले दूसरे प्लाट को जहां आजकल पार्किंग है उसको खरीदा गया, मस्जिद का हिस्सा बनाया गया, और फिर कुछ अर्सा पहले इस मस्जिद की तामीर के लिए बल्कि जगह कम होने की वजह से हमने करीब एक और बिल्डिंग फरोख्त हो रही थी पचिन को जिसे कहते हैं जी। उसके लिए मैं और मेरे 2-3 साथी जिसमें मेर अजीम साहब, मोहम्मद हनीफ मुगल साहब, खान अशफाक साहब, हमने 4-5 साथियों ने मिलके 4 या 5 दिन के अंदर तकरीबन 1100 मान के अंदर इकट्ठे किए जो वहाँ मौजूद थे। लेकिन जब वो क्लैश तंजीमी हुआ तो वो पैसे किसी और हाथ में रहे और जो तंजीम बनाई गई, कमेटी बनाई गई, ना उस कमेटी के अंदर मेरे से मशावरत की गई जी, बल्कि वो अचानक आनन फानन में एक ड्रामा करके वो पैसे किसी और कमेटी के जुम्मे कर दिए गए। किसके हवाले कर दिए गए वो पैसे? इतनी बड़ी रकम है, खतीर रकम है, जो कि आपकी कोशिश से एक चंदे की रकम जो इकट्ठी हुई है मस्जिद के नाम पर, अब वो रकम कहाँ पर है और ये किस मकसद के लिए? इस वक्त मस्जिद के इंतजामी अमूर के जिम्मेदार हैं, ये रकम उन्हीं लोगों के पास है जी। तो वही इस चीज़ का जवाब दे रहे हैं कि दे सकते हैं कि मस्जिद की तमीर आज तक उन्होंने क्यों शुरू नहीं की जी। हालांकि हमारे पास जब पैसे जमा हुए थे तो मस्जिद की तमीर मुमकिन थी जी। और अगर कोई इख्तलाफ है भी है तो बैठ के ये कमेटी जिम्मेदार है इस बात की कि क्यों मस्जिद के नमाजियों को आगाह क्यों नहीं करते कि क्या मसला है, क्या पेचीदगी है सही कि मिनहाजुल कुरान से फारिग होने के बाद 3 या 4 साल गुजर गए हैं, तीसरा रमजान आ रहा है जी। क्यों नहीं आज तक इसकी तमीर शुरू की जा सकी जी? ये बिल्कुल इनाम अल्लाह साहब आपने बजा फरमाया। जापान के अंदर हमने अक्सर देखने में आया कि यहाँ जब मस्जिद की बुनियाद रखी जाती है तो यहाँ दिनों में जो है उसका सारी कैलकुलेशन करके दिनों में काम शुरू किया जाता है, और अलमुस्तफा मस्जिद जो जापान में खासी शहरत भी रखती है, और बकौल आप ये कि उसके अंदर 1100 मान की एक खतीर रकम भी मौजूद है, अब उसकी तमीर नहीं हो रही है, उसके सिलसिले में जगह भी मौजूद है, तो आप क्या समझते हैं कि भाई इस ताखीरी अरबे में कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और ये जगह मौजूद है के बावजूद इसकी तामीर ना होना, क्या समझते हैं आप? मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त इंतजामी अमूर के जिम्मेदार लोग हैं उन्हें नमाजियों को इत्माद में लेना चाहिए जी। और अगर कोई रुकावट है उनके बस में नहीं है तो वो नमाजियों को साथ लेके इस मसले का हल निकाल सकते हैं। सही, खामोश बैठे रहने से ये मसाइल हल तो नहीं होंगे जी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद अल-मुस्तफा के अंदर इतने बेशुमार मुखय्यर हजरात हैं जी कि अगर आज इस मस्जिद की तामीर शुरू कर दी जाए तो चंद दिनों के अंदर जी, ये मेरा ख्याल जापान की वाहद मस्जिद है जिसके अंदर रकम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मस्जिद की तामीर जिस दिन शुरू होगी उसी दिन इंशाल्लाह ताला वसाइल इसके मौजूद हैं, बेशुमार लोगों ने इसके लिए वादे कर रखे हैं हथियार देने के लिए जी। अगर कोई इसके लिए प्रॉब्लम है तो इंतजामिया को चाहिए कि नमाजियों को इत्माद में लें, सही, जिम्मेदार लोगों की है कि इजलास बुलाएं, और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, जो जिम्मेदार हैं, जो लोग इस मस्जिद की तमीर के अंदर रुकावट है उनको बेनकाब करें जी, और इस सारी हकीकत को बुरकार लाए ताकि इस चीज का अजाला हो सके। सही, और जनाब इनाम अलहक साहब, ये जो अलमुस्तफा मस्जिद है
ये माजी में चंद साल को पर देखने में आया, इसने जापान के अंदर एक बड़ी खास शहरत हासिल की और एक बड़ी वहाँ पर फिरकावारी और बड़ी तसादम देखने में आए। आप क्या समझते हैं ये सारे जो उस वक्त जो मसाइल पैदा हुए ये सब मसाइल मिनाजुल कुरान ने पैदा किए वहाँ पर, यह क्या वजूहत थी? ये फिरका वारियत की कोई वहाँ बात नहीं थी, बल्कि इंतजामी अमूर की प्रॉब्लम थी। मिनहाजुल कुरान के अंदर ही दो ग्रुप थे जो आपस में दस्ते गिरोबान हो गए, और जिम्मेदारी थी कि मिनहाजुल कुरान के मरकज की कि वो इन हालात को कवर करते हैं, लेकिन शायद उनके अंदर इतनी अहलियत नहीं थी, वो इसको कवर नहीं कर पाए और मामला अदालत तक चले गए। ठीक, तो अभी जो इसका जो तमीर में कोई कहीं जापानी कोई कानून या अदालती केस या कोई ऐसी चीज़ तो रुकावट नहीं पैदा कर रही? इस चीज़ का जवाब तो जो कमेटी इसको इस वक्त हैंडल कर ली जा कर रही है जी, आप उनसे ये सवाल करें तो वही इस बारे में बेहतर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इस वक्त की इंतजामी कमेटी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक, लेकिन अल-मुस्वा मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैने पाक का सदका उसी तरह कहम दहम है। वहाँ हर रोज नमाज पंजगाना होती है, नमाज जुमा होती है, नमाज ईदैन होती है, ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम होते हैं, और जापान की चंद मस्जिदों में एक वो मस्जिद है कि जहाँ हर साल जिस दिन से इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई है हजूर गौस पाक के नाम से, हर महीने उसी रात को ग्यारहवीं शरीफ का बकायदा यहाँ ख़त्म होता है, तमाम होता है, और बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ जमा होकर काफी सारी तारीफें की हैं, लेकिन एक बात वहाँ देखने में आ रही है अक्सर कि वहाँ जो उलमा हज़रात आते हैं जो खतीब हज़रात आते हैं वो सिर्फ उस मस्जिद में तीन महीने के लिए आते हैं, जबकि तीन महीने के अंदर वहाँ से पाकिस्तान से वो आते हैं, तीन महीने के मुख्तसर अरसे में वो यहाँ जापनीज लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है और जो यहाँ तलबा को जो है आपको पता है कि यहाँ जापनीज सिस्टम है माहौल है, तो वहाँ जो नमाजी हज़रात हैं या जो बच्चे हैं वहाँ तालीम हासिल करते हैं, क्या वो मुतासर नहीं हो रहे? बासी साहब, वो किसी ने सूफी ने बहुत खूब कहा है जी कि साचा खांदे पांबड़ मचदे ने जी, हमारा भी यही नुक्ता नज़र था। हम यहाँ परमानेंट आलम को लाए थे जी, और जो यहाँ प्रॉब्लम शुरू हुई उन्हीं के आने से शुरू हुई जी, और बिल्कुल ये जो अभी तीन महीने वाले उलमाए कराम तशरीफ ला रहे हैं जी, क्योंकि वो पाकिस्तान से आते हैं, बाहर उनका जाने का कभी इत्तेफाक नहीं हो रहा होता जी, जी। और यहाँ सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो जो बच्चे हैं जी, जो कुरान पाक की तालीम हासिल करना चाहते हैं उनका सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि तीन महीने आने वाला उस्ताद जो है इमाम व खतीब वो बच्चों को कुरान पाक की तालीम नहीं दे सकता। सही, उसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ किसी ऐसे जो जापान के हालात को समझता हो जी, जापानी कुछ थोड़ा बहुत जापानी भी अबू रखता हो जी, वो यहाँ बच्चों को पढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है जी, और जापान के अंदर बेशुमार ऐसे हजरात मौजूद हैं कि जो बच्चों को पुरानी तालीम देने के लिए अल-मुस्वा मस्जिद तशरीफ ला सकते हैं। ये पाकिस्तान से मजीद तशरीफ मुस्तकिल तशरीफ लाने के लिए तैयार हैं, वहाँ पर ऐसे हज़रात भी हैं ऐसे उलमा भी हैं जो जापान से मुस्तकिल तौर पर आने के लिए तैयार हैं, जो मुस्तकिल खिदमत अंजाम दे सकें अल-मुस्वा मस्जिद। जापान के अंदर जितना दीन दावत का काम आसान है दुनिया के मेरा ख्याल रूए ज़मीन पर किसी जगह नहीं। जापान एक पीसफुल पुरअमन मुल्क है जी, और देखते ही देखते जब मैं 98 में आया था जी, तो इस पूरे इलाके के अंदर नहीं बल्कि पूरे जापान के अंदर सिर्फ एक ही मसाजिद थी जी, जो खनसाई के अंदर कोबा सिटी के अंदर थी, और टोक्यो में भी कोई मस्जिद नहीं थी। जो हीरो मस्जिद है वो भी सऊदी इमाम साहब के घर जाके लोग नमाज जुमा पढ़ते थे। ठीक, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक का सदका 130 से ज्यादा मसले जापान में मौजूद हैं जी, और पूरे जापान में आप 30 मिनट में गाड़ी की ड्राइव के बाद किसी न किसी मस्जिद में जाके पहुंच सकते हैं नमाज अदा कर जी, 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 जी। और अल-मुस्वा मस्जिद बंदो जी 24 घंटे खुली रहती है, बल्कि दिन से ज्यादा वहाँ लोग रात को भी आते हैं, हर वक्त नमाज के लिए वो खुली रहती है। सही जी, नाज़रीन जैसे बात हो रही थी इनाम अलग साहब से अल-मुस्वा मस्जिद के हवाले से, जहाँ इमाम हज़रात के मुतालिक के जहाँ तीन महीने बाद आते हैं और दोबारा चेंज करना पड़ते हैं, ये सारे
हवाले से खुशाइन बात देखने में यह भी आई है कि तोची की कैन के ओयामा सिटी के अंदर जो है एक मस्जिद है, बाबुल इस्लाम मस्जिद है, वहाँ जो इमाम साहब हैं हाफिज़ इकरामुल हक़ साहब, माशाल्लाह वो वहाँ पर मुस्तकिल मौजूद हैं, कई सालों में से देखने में आ रहा है। और आज ही के दिन माशाल्लाह उनके एक ज़र इतमाम एक स्कूल भी चल रहा है, एक इदारा भी चला रहे हैं, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आज उनकी एक तकरीब मुनाक़िद की है। हम आज ही के मौजू आज इस दिन की मुनासिबत से उन्हें एक खराज तहसीन पेश करते हैं। नाज़रीन इकराम, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक वक्त के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी।